वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू यूर माई यूट्यूब चैनल्स सो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर एट फ्रॉम थर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज फिफ्टी सिक्स मीटर एक स्क्वायर है जिसकी पेरीमीटर हमें गिवन है फिफ्टी सिक्स मीटर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एट मीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर मीन्स इस जो स्क्वायर है इसका जो एरिया आएगा ना ये तो पेरी गिवन है बट इस स्क्वायर का जो एरिया आएगा तो वो जो है रेक्टेंगल का जो एरिया है ना वो इस स्क्वायर से एट मीटर स्क्वायर कम है सो so, इसमें फिर क्या गिवन है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज सिक्सटीन मीटर फाइंड इट्स ब्रेथ अब जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ तो गिवन है हमें इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे ब्रेथ फाइंड करने के लिए देखो हमें क्या चाहिए लेंथ इज गिवन तो इट मीनस हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए और रेक्टेंगल का एरिया किस रिलेशन में है स्क्वायर के रिलेशन में और लेकिन स्क्वायर का तो हमें पैरीमीटर दे रखा है तो सबसे पहले हम पैरीमीटर से स्क्वायर की साइड फाइंड करेंगे फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे फिर इसका और रेक्टेंगल का जो एरिया का रिलेशन है उससे रिलेशन करके रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके उसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे ठीक है आपको समझ में आ जाएगा देखो स्टार्टिंग कैसे करेंगे पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है फिफ्टी सिक्स मीटर मतलब यहां से लेकर ये 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 इसकी पूरी की जो मेजरमेंट है वो है फिफ्टी सिक्स मीटर और स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं फोर साइड्स होती हैं तो साइड क्या हो जाएगी इसकी सो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगी फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर्टीन सेंटीमीटर तो मतलब स्क्वायर की एक साइड आ गई 14 सेंटीमीटर अब हमारे पास स्क्वायर की साइड आ गई अब एरिया भी फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर का सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइड इनटू साइड ये तो होती है इज़ इक्वल टू 14 इनटू 14 और ये आएगा हमारा 196 मीटर स्क्वायर ठीक है तो ए, मतलब इस गिवन स्क्वायर का हमारे पास एरिया आ गया वन नाइन्टी सिक्स मीटर स्क्वायर अब क्या बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एट मीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर मतलब जो एक और रेक्टेंगल की बात हो रही है उसका एरिया स्क्वायर के एरिया से एट मीटर स्क्वायर लेस है सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया स्क्वायर का एरिया 196 मीटर स्क्वायर माइनस एट मीटर स्क्वायर इतना कम है ना उसका सो so, माइनस करके आएगा हमारे पास 188 मीटर स्क्वायर तो ये आ गया हमारा रेक्टेंगल का एरिया अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ ठीक है सो एरिया क्या आ गया 188 एटी एट इज इक्वल टू लेंथ हमें गिवन है सिक्सटीन मीटर ब्रेथ हमें फाइंड करनी है सो so, ब्रेथ क्या हो जाएगी 188 ये इधर मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन, सो so, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.75 मीटर सो दिस इज आर आंसर दैट द ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज 11.75 मीटर ठीक है एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है और कोई भी लाइन की जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा मीटर में होती है ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर एट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच